नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का तीसरा बजट पेश किया गया है। राज्य के वित्त मंत्री का प्रभार संभाल रहे मनीष सिसोदिया ने 2017-18 के बजट का ऐलान करते हुए कहा कि इस साल किसी नए टैक्स का प्रस्ताव नहीं है और ना ही कोई टैक्स बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी के कारण टैक्स में तेजी आएगी, इसलिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। सिसोदिया ने इस बजट को आउटकम बजट बताया, जिसमें सरकार और विभागों के बीच एग्रीमेंट होगा। विभाग लक्ष्य तय करेंगे और सरकार उन्हें पूरा करेगी। पूंजी और खर्च के जरिए विभागों का बजट तय होगा। 283 करोड़ रुपए खर्च करके स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की सफलता की बढ़ाई की और कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में सभी प्रकार के टेस्ट फ्री किए जाएंगे। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 48,000 करोड़ रुपए का बजट अनुमान है। वहीं राज्य सरकार को 38,700 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। बजट में बताया गया है कि इस साल 11,300 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे, जो कि बजट का 24% हिस्सा है। दिल्ली में 2 नए DIIT स्थापित किए जाएंगे ताकि शिक्षा की क्वालिटी में सुधार हो। बजट में स्वास्थ्य के लिए कुल 5,736 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं सड़क एवं यातायात के बजट की बात करें तो DTC बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीनें लगाई जाएंगी। दिल्ली मेट्रो को 1,156 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं बैटरी से चलने वाले वाहनों को दिल्ली सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।